आज मैं विफल नहीं हो सकता। मुझे किसी प्रकार इसका ध्यान कहीं और भटककर इसके इस बजट को रोकना होगा, तभी दुमिनी इस सम्मोहन से मुक्त होकर अपने कार्य को पूर्ण करेगी। हाँ। क्षमा करें असुर महानायक, किंतु इससे कहीं देवियां सावधान ना हो जाएं। हो सकता है, किंतु इतना तो चलता है क्योंकि दुमिनी पुनः अपने कार्य पर केंद्रित होगी, जो एक क्षण में विस्फोट कर इन देवियों का सर्वनाश कर हमारे कार्य को सफल कर देगी। तब सावधान होकर भी इनका कोई लाभ नहीं होगा। मेरी पुत्री, वहां क्यों और कैसे पहुंच गई? रश्मि प्रभा को ही संकट में डाल दिया मैंने। मैं इस दुर्घटना से किस प्रकार उसकी रक्षा करूं? कहाँ खो गई थी मैं? मुझे अब एकाग्र रहकर अपना कार्य पूर्ण करना चाहिए। अब किसी से प्रभावित हुए बिना अपना विस्फोट करूंगी मैं। माता, मुझे भी आपके दर्शन करने हैं। मुझे अपने निकट आने का मार्ग दिखाइए ना माता। ये तो सोता ही मार्ग बन गया। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद माता। कुछ ही क्षणों में यहाँ सब भस्म हो जाएगा। नहीं, अभी नहीं, अभी ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ये विस्फोट रोकना होगा मुझे। विस्फोटक का रूप ले रही है। अपने सुख के लिए भंडासुर बहन के प्राणों की बलि कैसे दे सकता है? और बहन ही नहीं, अब तो उसकी योजना उसकी पुत्री के प्राण भी ले सकती है। तो क्या इस दुष्ट भंडासुर के लिए ये भी चलता है? मेरी पुत्री, उसका स्नेह मुझे अभी प्राप्त हुआ, उसे मैं कदापि नहीं खो सकता। कदापि नहीं खोऊंगा मैं उसे, कदापि नहीं खोऊंगा मैं उसे। दुमिनी विस्फोट करने हेतु माता के रथ पर है और अब भंडासुर भी उसी दिशा में बढ़ रहा है, किंतु माता के मुख पर ऐसे संकट के समय में भी सहज मुस्कान है। माता, ये कैसी लीला है आपकी? संभव है कि ये दुष्ट आपके दर्शन पाकर भक्ति में लीन हो जाए
और सुधर जाए। इस देवी के दर्शन से दुमिनी अपने पद से भटक गई, तो मैं भी अपनी दृष्टि इस पर ना पड़ने देकर स्वयं को इस देवी की माया से अपने आप को सुरक्षित रखूंगा। शत्रु है हमारे मध्य, विस्फोट में अधिक समय शेष नहीं है। भंडासुर को भी अंततः देवी ललिता के दरबार में आना ही पड़ गया। माता की लीला भी अद्भुत है, वो चाहे तो असंभव को भी संभव कर सकती है। गणेश जी ने जैसा वर्णन किया था उतना ही दिव्य और सुंदर स्वरूप है माता का। बड़ी लाल बिंदी से उनका मस्तक सुशोभित है, हाथों और कलाइयों के सुंदर आभूषण उनके दिव्य रूप को और निखार रहे हैं। माता के कान के आभूषण भी कितने सुंदर है। गणेश जी ने कहा था माताओं की माता है ये, तो फिर ये तो हमारी भी माता हुई। तब तो मैं गणेश जी के पुष्प उन्हें समर्पित कर उनके ऐसे कान के आभूषण तो मांग ही सकती हूँ मैं। सर्व मंगले ज्वाला मालिनी चित्र। मुझे पूर्ण विश्वास है माता कि दुष्ट भंडासुर यदि आपके क्षणिक दर्शन भी पाले तो वो अधर्म को भूलकर धर्म के मार्ग पर आ जाएगा, किंतु ये उसका दुर्भाग्य है कि वो आपके दर्शन करने से ही बच रहा है। तुमने अब शीघ्र ही विस्फोट कर देगी, अर्थात मेरी पुत्री रश्मि प्रभा के प्राण संकट में है, मुझे इसे वहां से दूर करना ही होगा। कौन हूँ और यहाँ क्यों आई हूँ ये तो अब तुम सबको शीघ्र ज्ञात हो जाएगा। माता को बता दूंगी ये पुष्प कर। वो बालिका एक निर्दोष भक्त है मेरे, उसे कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम्हें हानि पहुंचाने से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। दूर हो जाओ यहाँ से। हाँ।
मेरे कारण ज्येष्ठ आहत हो ये मुझे स्वीकार नहीं। भंडासुर ने कितने भी बुरे कर्म क्यों ना किए, किंतु इस समय वो उस जीवन की रक्षा करने का पुण्य कर रहा है, जिसका हृदय सरल भक्ति के सागर के समान। और यदि कोई पापी भी पुण्य कर्म कर रहा है, तो उस समय उसका वध करना उचित नहीं होता। पिताश्री मुझे बहुत डर लग रहा है। पिताश्री चिंता मत करो पुत्री, तुम्हारा पिता सदा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं तुम्हारी ढाल बनूंगा, किंतु तुम्हारा कोई भी अनिष्ट नहीं होने दूंगा। विश्वास नहीं होता कि ये दुष्ट भंडासुर अपने अतिरिक्त किसी अन्य से भी स्नेह कर सकता है। क्षतिग्रस्त हुआ है। हाँ, हमारा रथ क्षतिग्रस्त हुआ है। हाँ, हमारा रथ असंतुलित हो रहा है। माता, माता कृपा कीजिए। दूसरी ओर से असुर भी आक्रमण करने आ रहे हैं। देवी ज्वाला मालिनी, देवी ज्वाला मालिनी, देवी पश्चिमा, देवी पश्चिमा, देवी ब्रजेश्वरी, देवी ब्रजेश्वरी, देवी ब्रजेश्वरी, देवी ब्रजेश्वरी। प्रणाम माता, आज्ञा दीजिए। आज रात्रि के इस युद्ध में मैं आपको हमारी सेना का सेनापति नियुक्त करती हूँ। अब इस असुर सेना का अंत करने का दायित्व आपका है। दुष्ट असुरों, तुमने ये दुस्साहस कर अपने परम दुर्भाग्य को निमंत्रण दिया है। असुर महानायक भंडासुर की, असुर महानायक भंडासुर की, असुर महानायक भंडासुर की। ये ज्वाला अब बुझेगी नहीं, मेरे भीतर समाहित होकर तुम पापियों का सर्वनाश करेगी। अपनी पुत्री पर कोई भी संकट नहीं आने दूंगा। मुझे शीघ्र उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा।
आए थे, तो आओ अब हम भस्म करेंगे तुम्हें। ये कैसा खिंचाव मुझे पीछे की ओर खींच रहा है। ये कौन सी शक्ति है जो मेरे सैनिकों को उस गुफा में खींच रही है? पिताश्री, मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंता मत करो पुत्री, मेरे रहते कोई संकट तुम्हारे निकट नहीं आ सकता। मेरी इतनी विशाल सेना कहां और कैसे लुप्त हो गई? ये गुफा नहीं, उस देवी का मुख है। अब मेरे सारे सैनिक इस गुफा में समा गए। ये देवियां इतनी हिंसक और निर्दयी कैसे हो सकती हैं? कितनी क्रूरता से मेरी सेना का विनाश कर रही हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है पिताश्री। ये समय अपने डर के सामने झुकने का नहीं, अपनी पुत्री को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का है। शीघ्र कुछ कीजिए, मुझे नहीं रहना। मैं अभी तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा पुत्री। मेरी सेना का कितना भयंकर संहार कर रही है ये देवी। युद्ध में भी हताशा ही हाथ लगी है मुझे। मेरी संपूर्ण सेना मेरे देखते देखते ही नष्ट हो रही है। पिताश्री, क्या हुआ पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हैं? देखो तो, तुम्हें कोई चोट तो नहीं पहुंची है? नहीं पिताश्री। यदि कहीं कोई घाव भी है तो अपने पिता से मत छुपाना। जब मेरे इतने शक्तिशाली पिताश्री मेरी रक्षा कर रहे थे तो मुझे कोई घाव कैसे हो सकता है? किंतु पिताश्री, मुझे बताने में आप आहत हो गए हैं। रुकिए पिताश्री, आपके लिए लेप बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं पुत्री, मेरे प्रभु महादेव के चंदन का लेप ही मुझे स्वस्थ कर देगा। पिताश्री, जब मैं यहाँ हूँ तो आप क्यों कष्ट करते हैं? दीजिए मुझे, मैं आपको लेप लगा देती हूँ। नहीं
जिसके नन्हे हाथों के स्नेह पूर्ण स्पर्श से ही मेरे घाव भर जाएंगे। पिताश्री, आप बुरा ना मानेंगे तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? अवश्य पूछो पुत्री, मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा। तो मुझे बताइए ना पिताश्री, आप माताओं की माता श्री माता ललिता से युद्ध क्यों कर रहे हैं? जो सभी की माता है उनसे भेदभाव रखने तो उचित नहीं है ना पिताश्री? क्रोध से हो बहबी ब्रह्मांड। जिन्होंने अपने दिव्य और मनोहर दर्शन से मुझे धन्य कर दिया, वो माता ये क्या पिताश्री, आप मुझे इतने क्रोध से क्यों देख रहे हैं? नहीं, मेरी पुत्री तो मेरे प्राण का आधार है, मैं उस पर कैसे क्रोध कर सकता हूँ? तुम मेरी सबसे प्रिय संतान हो, इसलिए कभी मुझसे भय मत करना। मैं तुम्हारा पिता तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें कभी कोई हानि और कभी कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। तुम्हारा कोमल मन अभी सत्ता और युद्ध के कठोर सत्य को नहीं समझ सकता पुत्री, इसलिए युद्ध की चिंता मुझ पर छोड़ दो। तुम यही मेरे राजभवन में सुरक्षित रहो, मैं शीघ्र ही इस युद्ध को समाप्त करके आता हूं, ठीक है? रुक जाओ, रोक दो ये आक्रमण, रुक जाओ। रुको रुको, तुम मत जाओ, तुम सब मारे जाओगे, रुक जाओ। नहीं असुर, रुक जाओ, ये देवी अत्यधिक भयंकर है, रुक जाओ। माता के रथ को भस्म करने आए थे तो अब हम बस करेंगे तुम्हें। भस्म हम नहीं, तुम होगी देवी, वध करेंगे तुम्हारा, तब तुम्हें हमारी शक्ति का अनुमान होगा। रोक दो ये आक्रमण। असुरों रुको, संपूर्ण सेना को समाप्त करने में सफल हो गए। गणेश जी, गणेश जी। बालिका रश्मि प्रभा, आ जाओ, मैं यही हूँ। क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? वो यहाँ इतना अंधेरा जो है ना, अंधेरे से मुझे बहुत डर लगता है। किंतु तुम्हारे निर्दोष हृदय में तो सरल भक्ति का उजाला है, डरना तो उन्हें चाहिए जिनके मन में पाप और अधर्म का अंधकार है और जो उस अंधकार में उलझकर अनेकों पाप करते हैं। जो तुम्हारे समान अच्छे कर्म करते हैं, सभी की भलाई का सोचते हैं,
उन्हें सदा अपनी अच्छाई पर विश्वास रख, कभी नहीं डरना चाहिए। और फिर मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ। अब डर दूर हुआ तो तुम्हारे मुख पर ये दुख का भाव क्यों आ गया? दुखी तो मैं हूँ गणेश जी, माता के जगराते में पहुँच कर भी आपका कार जो ना कर सकी, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गणेश जी। किंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, मैं तो माता के दर्शन कर उन्हें आपके पुष्प समर्पित करने जा रही थी, तभी अचानक वहाँ बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और इसी सब में आपके फूल समर्पित करना तो रह ही गया, इसलिए मुझे फिर से क्षमा कर दीजिए गणेश जी। ना तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता है ना क्षमा मांगने की, क्योंकि तुम मेरे पुष्प माता के चरणों में अर्पित करके ही आई हो, क्योंकि तुम्हारे हाथों से छूटकर वो माता के चरणों में जो जा गिरे थे। मैं सफल हुई ना प्रभु, किंतु एक बात तो फिर रह गई ना गणेश जी, मैं माता से उनके सम्मान उनके कान के आभूषण नहीं मांग सकी। मुझे तुम्हारी ये श्रद्धा सुमन स्वीकार है पुत्र गणेश। और मुझे अपनी बालिका भक्त की इच्छा भी ज्ञात है। प्रणाम माता। समय आने पर तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी नन्ही रश्मि प्रभु। कल्याण, आज की इस विजय का श्रेय आप तीनों को जाता है। ये विजय का उत्सव मना है और हम अपने योद्धाओं को परास्त होते हुए देखे। इस रोकने की युक्ति हमें कल सूर्योदय के साथ युद्ध के आरंभ होने के पूर्व ही करनी होगी। कोई युक्ति सफल नहीं होगी, हमारी पराजय निश्चित है। अब हमारा विनाश वो कर ही रहेगा भ्राताश्री। शंकराय नमः। ओम महाशिवाय नमः। भ्राता विशंक, निश्चिंत रहो, क्योंकि जब तक ये मेरा यज्ञ विधि पूर्वक चलता रहेगा और जब तक स्वयं मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता श्री गणेश जी अमरपुर में हैं, तब तक कोई हमें पराजित नहीं कर सकता। यदि मैंने 5 और मोदक खा लिए तो मेरा पेट अवश्य फट जाएगा। कितनी भोली हो तुम, जो इस भयानक युद्ध के समय में भी उसकी गंभीरता का नहीं, माता के कर्ण के आभूषण का विचार कर रही हो। क्या करूं गणेश जी, वो थे ही इतने सुंदर। तब तो वास्तव में बड़े दुख की बात है कि तुम अपनी इच्छा माता से कहती, उसके पहले ही तुम्हारे पिता तुम्हें ले आए। किंतु माता तो सभी माताओं की माता है, उन्हें तो अपनी संतानों की इच्छा बिना कहे ही ज्ञात हो जाती है, और तुम्हारी जैसी भोली भक्त की प्रार्थना तो वो अवश्य सुनेंगी। तो माता मुझे वो आभूषण दे देगी?
गणेश जी, अब मैं प्रसन्न हुई तो मुझे आपकी चिंता सताने लगी, क्योंकि आप ऐसे ही मोदक खाते रहे तो आपका पेट ना फट जाए। माता, अब तो प्रभु का मोदक खाना हमें रोक नहीं होगा। किंतु यदि मैंने हस्तक्षेप किया तो गणेश का वचन भंग होगा, और मैंने यदि कुछ नहीं किया तो गणेश को हानि पहुंचेगी। अब तो मेरी इस दुविधा का समाधान माता पराशक्ति ही कर सकती है। मुझे आज्ञा दीजिए माता, मैं अभी माता पराशक्ति के निकट जाकर उनसे सहायता मांगता हूँ। हमें इसका उपाय करना ही होगा। इस प्रकार कब तक मोदक खाते रहेंगे आप? आपके खाने के बाद भी इस मोदक की संख्या कम थोड़ी ना हो रही है। मैंने वचन दिया है, जब तक इस पात्र में मोदक समाप्त नहीं होंगे मैं उन्हें ग्रहण करने पर विवश हूँ। रश्मि प्रभा, इस अक्षय पात्र की कोई भी सामग्री कभी नहीं घटती। इस समस्या का एक समाधान है। झूठे पात्र में अतिथि को भोजन परोसना पाप है, इसलिए यदि अक्षय पात्र छूटा हो जाए तो वो अपनी पवित्रता खोकर एक साधारण पात्र में परिवर्तित हो जाएगा, और फिर वो मोदक उत्पन्न नहीं कर सकेगा। सूझ गया उपाय। मैं पिताश्री से कहूंगी, आपको कष्ट में देखकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, इसलिए वो आपको वचन मुक्त कर दे। आज वो जब मुझे बचा रहे थे उन्होंने मुझे वचन दिया था, वो सदा मेरी रक्षा करेंगे और वो मुझे कभी कोई कष्ट नहीं होने देंगे। जो मुझसे इतना स्नेह करते हैं वो मेरी बात कभी नहीं डालेंगे। प्रभु, इसका पिता जो स्वयं को मेरा भक्त कहता है उसे मेरी कोई चिंता नहीं, किंतु इस निर्दोष बालिका का सरल हृदय मेरी चिंता से कितना व्याकुल है। आप चिंता मत कीजिए गणेश जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं भी वचन देता हूँ कि मैं भी तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। जाकर पिताश्री को मनाती हूँ। भंडासुर अपनी पुत्री को दिया वचन भले ही ना निभाए, किंतु मुझे तो इन मोदकों को खाने का वचन निभाना ही होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए माता। रुकिए मोशक जी, अमरपुर में प्रवेश करने के लिए भी आपको सहायता चाहिए होगी। माता, ये पतंगा मेरी सहायता करेगा। हाँ मूषक जी, आप इस पर सवार हो जाइए, ये आपको अमरपुर के राजभवन के भीतर जाने का मार्ग दिखाएगा। उचित है माता। चलिए पतंगे महोदय, उड़ान भरिए। मुझे विश्वास है अब माता के आशीर्वाद से मूषक जी अवश्य सफल होंगे। ये मेरे लिए अत्यंत असुविधाजनक होता जा रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। हाँ,
सकते, हम तो सीधे इस काक के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं जो हमें आहार बनाने पे आतुर है। देखा, दोनों को बचा लिया ना मैंने। मुड़िए पतंगे महोदय, मुड़िए, हम उनकी सहायता के लिए जा रहे हैं जो स्वयं विघ्न आता है, फिर भी हमारे मार्ग में इतने विघ्न क्यों आ रहे हैं? हे प्रभु, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, अब तो इस संकट से आपको ही हमारी रक्षा करनी होगी। ओ, समझ गया। ओम गण गणपते नमः। ओम ओम गण गणपते नमः। देखा पतंगे महोदय, प्रभु विघ्नहर्ता गणेश जी का स्मरण करने से हमारे मार्ग में कोई विघ्न नहीं आया ना। अब हम अवश्य इस राजभवन में प्रवेश कर सकेंगे। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री तो कल नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो मैं गणेश जी की सहायता कैसे करूंगी? शीघ्रता कीजिए पतंगे जी, अब हम पहुंचने ही वाले हैं। ये काक फिर क्यों लौट आया? ऊपर उड़िए पतंगे जी। पाल पाल बच गए। प्रभु विघ्नहर्ता गणेश जी ने पुनः रक्षा की हमारी, अन्यथा भस्म हो जाते या इस काक का आहार बनते। किंतु अब तो इस सुरक्षा कवच को भेद कर हमें अंदर जाने की कोई युक्ति सोचनी होगी, क्योंकि मैं अपना कर्तव्य पूर्ण किए बिना कदापि नहीं लौटूंगा। मैंने तुम सभी को यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि तुम वो दृश्य देख सको जिसके कारण मैं आज की पराजय के बाद भी इतना निश्चिंत था। भीतर ही नहीं जा सकूंगा तो प्रभु की सहायता कैसे करूंगा? पतंगे महोदय, माता ने आपको मेरी सहायता के लिए भेजा था, तो मेरी सहायता कीजिए। आप मुझे उल्टी दिशा में क्यों ले जाने लगे? मुझे मेरे प्रभु के पास जाना है। आप कर क्या रहे हैं? आप इस पर सवार हो जाइए, ये आपको अमरपुर के राजभवन के भीतर जाने का मार्ग दिखाएगा। पतंगे महोदय, मैं आपका त्याग व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। सब जगह ढूंढ लिया मैंने पिताश्री को, किंतु कोई नहीं मिले पिताश्री। अब मैं गणेश जी के साथ अब कैसे कर पाऊंगी? मूषा, रुक जा, मैं मित्र हूँ, शत्रु नहीं। ये मूषक तो बात भी करता है। इसे अपना मित्र तो पुकार लिया, किंतु योजना नहीं बताऊंगा। किंचित है तो भंडासुर की ही पुत्री। हाँ, ये
मुझे यहाँ मूषक जी का आभास हो रहा है। वो यहाँ आए हैं तो आशा है भंडासुर की योजना को असफल करने की किसी युक्ति के साथ ही आए होंगे। गणेश जी जब तक अमरपुर में है तब तक प्रभु महाशिव के आवाहन हेतु मेरे इस महायज्ञ में कोई भी विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकता, और जिन्हें स्वयं प्रभु श्री गणेश जी का साथ प्राप्त हो और जिनके निकट प्रभु महाशिव का आगमन होने वाला हो उनको ऐसी साधारण पराजय से भयभीत नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने उत्साह को त्यागने का नहीं, ये समय तो आगामी युद्ध की योजना बनाने का है और रणनीति तैयार करने का है। अपनी शक्ति को एकत्रित कर, अपने विश्वास को जागृत कर आक्रमण करने का है, क्योंकि वो देवी सूर्योदय होते ही अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ अमरपुर पर आक्रमण करने के लिए अवश्य आएगी। प्रणाम माता। माता, भंडासुर तो पाप पर पाप ही करता जा रहा है। उसने गणेश जी को विवश किया है। प्रभु महाशिव का आवाहन अनुचित कारण से कर रहा है। आपके जगराता में अपनी बहन से विस्फोट करवाया, रात्रि में हम पर आक्रमण किया, तो अब तो उसे उसकी अनीति और अधर्म का दंड देने की आज्ञा दीजिए। हाँ माता, हम अभी जाकर उसके साथ उसके नगर का भी सर्वनाश कर देंगे। हाँ माता, हमें आज्ञा दीजिए। मैं ज्वाला मालिनी अपनी ज्वाला के दहकते अंगारे बरसा के उन दुष्टों को भस्म कर दूंगी। प्रत्येक कार्य का एक उचित समय होता है, यही नीति है। उसने हम पर रात्रि में आक्रमण किया, ये उसकी भूल थी जिससे वो कदापि सीख नहीं लेगा, कि तो हम वो भूल नहीं करेंगे। युद्ध के नियमों के अनुसार सूर्य देव के प्रथम किरणों के साथ ही अमरपुर पर हमारे आक्रमण की तैयारी कीजिए। सूर्योदय होने पर अमरपुर पर अनेक रथों की चढ़ाई होने के पूर्व कौन कौन तैयार है उन पर आक्रमण करने के लिए? मैं तैयार हूँ पिताश्री। मैं भी तैयार हूँ पिताश्री। हम भी तैयार हैं पिताश्री। ज्येष्ठ, आपके आदेशानुसार हम युद्ध के लिए तैयार हैं। नहीं, तुम दोनों नहीं, मेरे पुत्रों के साथ तुम्हारे पुत्र युद्ध करने जाएंगे। पुत्रों को युद्ध करना होगा, क्योंकि युवा रक्त को स्वयं को प्रमाणित करने का अवसर मिलना ही चाहिए। और इतना तो चलता है, आठों भंड पुत्रों के साथ हमारे सभी पुत्र सेना सहित युद्ध में प्रस्तुत होंगे। असुर महानायक, आज के युद्ध के अंत होने तक ये महायज्ञ अवश्य संपन्न होना चाहिए। आज का युद्ध समाप्त होने से पूर्व मुझे अपना कार्य पूर्ण करना होगा। रथ अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और आपने उचित कहा था, भंडासुर ने अपनी भूलों से कुछ नहीं सीखा। वो पुनः युद्ध के लिए अपनी सेना को एकत्रित कर रहा है। माता, कल उसके 17 महायोद्धाओं की पराजय के बाद अब वो अपने सर्वाधिक युद्ध कुशल योद्धाओं को भेजेगा, तो हमारी ओर से कौन देवियां युद्ध करेंगी? कदम्बवन शालया कुछ भरोल्लसनमालया
कुचुपमित शैलया गुरु कृपाल सद्वेलया मदारुण कपोलया मधुर गीत वाचालया कयापि घनलीलया कवचिता वयं लीलया। दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पत्ति निवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्ग साधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्ग निहंत्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा देवी पाल त्रिपुरा सुंदरी। आज के युद्ध में मैं ही सेनापति रहूंगी, क्योंकि भंडासुर अपने युवाओं अर्थात पुत्रों को भेज रहा है, तो मैं भी ये युद्ध उनसे अकेले ही करूंगी। मेरे युवा महारथी मिटा देंगे इन रथों को। त्रिपुर भैरवी मां त्रिपुर भैरवी मां।